आखिर सपने में भूत क्यों आते हैं? पार्ले जी के पैकेट में जो लड़की दिखाई देती आखिर वो कौन है? क्या सच में पहले मोदी जी की चाय की दुकानें थी? ये सभी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सपने में भूत क्यों आते हैं। जी हाँ, सपने में भूत आने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला आपका सेंस और दूसरा आप किस तरीके का सोचते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने आप को सिर्फ 5 सेकंड के लिए बंद कीजिए। बंद कर दिए और अब आप ये सोचिए कि मैं चिड़ियाघर देखने पटना आया हूँ। उसके थोड़ी देर बाद आप आगरा ताजमहल देखने चले जाते हैं। उसके बाद आप स्टेशन जाते हैं और टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद आप ट्रेन में बैठकर अपने घर आते हैं। ये सभी आपको सोचने में कितने सेकंड लगे? सिर्फ 5 सेकंड। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना तेज गति से काम करता है। दोस्तों, ये सब आपको सोचने में सिर्फ 5 सेकंड ही लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। कहने का मेरा ये मतलब है कि आप लोग सोने से पहले अच्छी अच्छी विचार अपने मन में लाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जिस तरीके के आप सोचते हैं, सपने भी उसी तरह के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जिसको ज्यादा याद करते हैं वो आपके सपने में आ जाता है। कहीं आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जिन्हें याद करते हैं वो आपके सपने में आ जाते हैं। सपने में भूत आने का कारण बस आपका सोच होता है कि आप किस तरीके का सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या भूत भी होते हैं? पुराने जमाने के लोग को ये मानना है कि भूत भी होते हैं, पर मेरे भाई ये आपकी गलत फहमी है। साइंस के अनुसार कोई भूत नहीं होता। क्या आप सच में कहीं भूत देखे हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखा है। साइंस के अनुसार मानो या ना मानो ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं। एंड सपने में भूत आने के सेकंड कारण ये होते हैं आपका सेंस। मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक दूसरे से भूत की बातें कर रहे हैं और जब रात होती है तो आप अपने रूम में अकेले सो जाते हैं और आपने सुबह में अपने दोस्त के साथ भूत की बातें की है। आप सोए हैं लेकिन आप यही सोचेंगे कि आखिर ये भूत क्या होते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। अगर मिला जुला की बातें करें तो सपने में भूत आने के कारण बस यही होगा आपका सोच कि आप किस तरीके का सोचते हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वही आपके सपने में आते हैं, यही रियलिटी है। दोस्तों, आपको सुबह से लेकर रात तक होने में जितनी खुशी नहीं मिली होगी मैं आपको 20 सेकंड के अंदर में देने वाला हूँ। सच में बोल रहा हूँ, वो खुशी आपको पूरे दिन में नहीं मिली होगी जो खुशी मैं आपको 20 सेकंड के अंदर में देने वाला हूँ। अगर आपको मेरी बात की सच में रियलाइज हो जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। इस बात को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए एक जगह रखना होगा। तो चलिए दोस्त, आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। एंड बंद करने के बाद आपको यह सोचना है कि हमारे पास जो भी कुछ है, विद्या, दिमाग, घर, पैसा, जो भी कुछ आपके पास है वह अचानक गुम हो गया और आप बहुत ही बेचैन हो जाते हैं और आप सिर्फ यही सोचते हैं कि काश मेरा सामान मिल जाए। तो फिर होता क्या है कि आपका सामान कुछ देर के बाद मिल जाता है। चलिए दोस्त, आप अपने आँख को खोल लीजिए। अब आप ये रियलाइज कीजिए कि आपको अपने सामान मिलने के बाद किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, आपको कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। तो मेरे बात को आपको जरूर रियलाइज हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का ये है कि क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी के पैकेट पे जो लड़की है वो कौन है? आई होप मुझे पता है कि आपको मालूम नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ देंगे। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पे पार्ले जी के पैकेट के फोटो देख रहे हैं, उस पैकेट में जिस लड़की का फोटो है उसका नाम सुधा मूर्ति है। इस फोटो को 4 साल की उम्र में क्लिक करवाया गया था और अभी तक पार्ले जी के पैकेट में उसी लड़की का फोटो है जिनका नाम सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति के पापा ने 4 साल की उम्र में उनकी फोटो को क्लिक करवाई थी। 4 साल की उम्र में सुधा मूर्ति कुछ इस प्रकार से दिखती थी और अब 65 साल की उम्र में सुधा मूर्ति अब कुछ इस प्रकार से दिख रही है। एंड आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गए। बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की ओर।
जी हाँ, वीडियो का लास्ट पार्ट ये है कि क्या मोदी जी की चाय की दुकानें थी। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमारी इस चैनल पे अपलोड होती रहती है, जिससे आपके नॉलेज का ग्रोथ कई गुना बढ़ सकता है। बात करते हैं अब मोदी जी की चाय की दुकान पे। जी हाँ, ये सच है कि गुजरात के वडगर स्टेशन पे मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। जैसा कि आप सब मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके चाय की दुकान, ये वही चाय की दुकान है जो कि गुजरात के वडनगर स्टेशन पे स्थित है। पीएम मोदी का चाय वाला कहा कि साल 2014 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल की, जिसकी खमियाजा वो आज तक भुगत रही है। हमारे तरफ से सैल्यूट है उनका, जो कभी चाय बेचा करते थे और आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं। वीडियो का तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे कोई एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। एंड आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड बाय।